मैं मेघा और अब वक्त हो गया है आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने का जिसके तार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ जुड़े हैं। आप सब ये बात जानते हैं, बी टाउन के ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाले सेलिब्रिटीज़ की अगर लिस्ट बनाएं तो बिग बी का नाम डेफिनेटली ऊपर ही आता है। हर सोशल मुद्दे पर अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़े किस्सों को बिग बी अक्सर इन्हीं सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए साझा करते हैं अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ। लेकिन फ़िलहाल बिग बी का समय जो है ज़रा ठीक नहीं चल रहा है, आप सब जानते हैं। फिलहाल जहां देखो बी टाउन के गलियारों से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक, राजनीति तक, हर जगह चर्चे कोरोना वायरस को लेकर हो रहे हैं। और कोरोना वायरस के इसी कहर के बीच अमिताभ बच्चन बैक टू बैक ट्रॉलर्स के निशाने पर हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हो गया है, ट्रॉलर्स की ट्रॉलिंग का निशाना एक बार फिर से बिग बी पर आकर लगा है। अब सब ये बात जानते हैं कि यहाँ पर 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के लोगों से आग्रह किया कि रात को 9 बजे घर के लाइट ऑफ कर दें, बालकनी या फिर छत पर चढ़ जाएं, दिया जलाएं और एक पॉजिटिव मैसेज साझा करें, पॉजिटिव मैसेज दें। तो अमिताभ बच्चन ने भी अपने परिवार के साथ यही किया, लेकिन बिग बी से गलती हो गई। बिग बी ने एक फेक पोस्ट को अपने ट्विटर हैंडल पर विद अ पॉजिटिव मैसेज पोस्ट कर दिया और उसके बाद लोग जो हैं, जो ट्रॉलर्स हैं, वो अमिताभ बच्चन को कह रहे हैं कि भाई आप व्हाट्सएप जरा अनइंस्टॉल कर दो कि अब आपका समय पूरा हो गया है, अब आप भूल चुके हैं कि सोशल मीडिया हैंडल को यूज़ कैसे करना है। क्योंकि कोरोना वायरस के कहर के बीच आप सब जानते हैं कई तरह की फेक खबरें भी वायरल हो जाती हैं और अमिताभ बच्चन जैसे सदी के महानायक अगर किसी फेक न्यूज़ को, फेक फोटो को प्रमोट करें तो बवाल तो मचेगा ही। तो रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे जिसमें आप जानेंगे किस तरह से बिग बी हो रहे हैं ट्रॉल सोशल मीडिया पर। देखिए ज़रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह के बाद बीते दिनों लोगों ने दिया, मोमबत्ती और टॉर्च चलाते हुए एकजुटता दिखाई। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन फिलहाल बिग बी हो गए हैं बुरी तरह ट्रॉल। हमारी रिपोर्ट में आप अमिताभ बच्चन का एक पोस्ट देख रहे हैं। अमिताभ बच्चन एक तस्वीर शेयर करते हैं जिसे बिग बी से पहले रितिका जैन नाम की एक महिला ने शेयर किया था। बिग बी इस ट्वीट को रिट्वीट करते हैं और लिखते हैं, द वर्ल्ड सी अस, वी आर वन। अमिताभ बच्चन ने इस फेक तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल से रिट्वीट कर दिया और ट्रॉलर्स के निशाने पर आ गए। किस तरह से ट्रॉलर्स ने किया है बिग बी को ट्रॉल, आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। लोग कह रहे हैं बिग बी से, आर यू सीरियस बिग बी और योर अकाउंट गॉट हैक्ड बाय अ भक्त। लोग लिख रहे हैं, दैट्स ट्रू बट दिस इज़ एन ओल्ड पिक आई गेस, प्लीज़ अनइंस्टॉल व्हाट्सएप। आप भी ज़रा, अमिताभ बच्चन किस तरह फेक पोस्ट के जाल में फंस चुके हैं ये वीडियो देखिए।